हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन जब किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पाए जाएं, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम प्रायोरिटी ऑर्डर का हेल्प लेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहता है? प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है कि सबसे मोस्ट प्रेफरेंस रिंग चेन आइसोमर्स को देना चाहिए, उसके बाद टॉटोमर्स को देना चाहिए, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर्स को देना चाहिए, उसके बाद मेटामर्स को देना चाहिए, उसके बाद चेन आइसोमर्स को देना चाहिए, और सबसे कम प्रेफरेंस पोजीशन आइसोमर्स को देना चाहिए। इसके लिए मैंने आपके लिए निमोनिक्स भी लाया है। इसका निमोनिक्स है, रीता फुर्सत में चाय पकौड़ा खा, जिसमें RI रिंग चेन आइसोमर्स को डिनोट करता है, TA टॉटोमरिज्म को डिनोट करता है, ये टॉटोमर्स को डिनोट करता है। जो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करते हैं उनको टॉटोमर्स कहते हैं। फुर्सत FU जो होता है फंक्शनल आइसोमर्स को डिनोट करता है, ME जो है वो मेटामर्स को डिनोट करता है, मेटामेरिज्म को डिनोट करता है। वैसे ही जैसे कि मेटामर्स उन कंपाउंड को कहते हैं जो मेटामेरिज्म शो करते हैं। चाय में CHAI चाय चेन आइसोमर्स को डिनोट करता है, एंड पकौड़ा में PO पोजिशन आइसोमर्स को डिनोट करता है। अगर आपको ये निमोनिक्स पसंद आए तो आप इसे याद करें। अगर आपको एक निमोनिक्स और है जिसके थ्रू आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद कर सकते हैं, RTFMCP इस ऑर्डर, ये एक शॉर्ट निमोनिक्स है। आपको जो निमोनिक्स अच्छा लगे उस निमोनिक्स को आप याद कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।